भी अभी आपने कहा जिस तरीके से, आपको लगता है कि विपक्ष जो है इसमें भी राजनीति कर रहा है और जो इस बिल का सही प्रारूप जो है वो जनता के बीच नहीं पहुंचा पा रहा है? देखिए, इस देश में जो भी रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये देश सबों का है, लेकिन जाने अनजाने हिंदू और मुसलमान के नाम पर इस सिटीजन अमेंडमेंट बिल को बांटने की बात हो रही है। इस देश के गृह मंत्री ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, पहली बार किसी बड़े नेता ने लोकसभा के फ्लोर पर कहा कि ये बात सत्य है, लोगों को सुनने में अच्छा लगे या लोगों को सुनने में बुरा लगे, कि 1947 में इस देश का बंटवारा हिंदू और मुसलमान के नाम पर हुआ, धर्म के नाम पर हुआ, और उस तरह के धार्मिक भावनाओं को आप भड़काने का प्रयास नहीं करिए। हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, हमने उन देश के लोगों को यहाँ नागरिकता देने का फैसला किया है जो इस्लामिक स्टेट है। भारत एक सेकुलर स्टेट है, तो सेकुलर स्टेट जो है, मान लीजिए श्रीलंका सेकुलर स्टेट है, नेपाल ने अपने आप को सेकुलर बना लिया, भूटान ने सेकुलर बना लिया, तो हम उसके देश के नागरिकों को जो है नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए कि नेपाल यदि हिंदू राष्ट्र होता तो हम वहाँ के मुसलमानों को निश्चित तौर पर यहाँ की नागरिकता देते यदि प्रताड़ित होकर वो वहाँ आते, लेकिन अब वो सेकुलर स्टेट है, नेपाल भी सेकुलर स्टेट है, लेकिन जो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये इस्लामिक स्टेट है। इस्लामिक यदि धर्म, यदि किसी राज्य का धर्म, किसी राष्ट्र का धर्म यदि कोई धर्म हो जाता है, तो जो दूसरे धर्म के नागरिक हैं वो दोयम दर्जे के नागरिक होते हैं, और इस कारण से जो हिंदू है वहाँ, जो सिख है वहाँ, जो ईसाई है, जो जैन है, जो बौद्ध है, जो पारसी है, वो वहाँ प्रताड़ित है, वो इस्लाम धर्म से प्रताड़ित है इन तीनों देशों में, और भारत चूंकि उसकी भूमि रही है, उसके पूर्वज भारत के रहे हैं, इसलिए हम उसको नागरिकता दे रहे हैं। इसमें हिंदू और मुस्लिम का सवाल क्या है? यदि कोई दूसरा रीजन होता तो आप उसको हिंदू मुस्लिम के नाम पर लाते, लेकिन जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी दुमका की मीटिंग में कहा कि कपड़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस धर्म को मानने वाले लोग हैं और कौन से लोग आंदोलन कर रहे हैं, और ये देश की जनता है, जानती है। और 47 में जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया धर्म के आधार पर, अब धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा नहीं होगा, और जितनी शक्तियाँ इसको